गुड आफ्टरनून डॉक्टर। गुड आफ्टरनून, बैठिए। डॉक्टर, मैं आपके पास एक समस्या लेकर आया हूँ। बताइए क्या समस्या है। बताने में थोड़ी सी हिचकिचाहट तो हो रही है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा आपसे कैसे। शर्माने की कोई बात नहीं है, आप मुझे खुल के बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम है। दरअसल डॉक्टर, बात यह है कि अभी मेरी मैरिड लाइफ हुई है, अच्छी चल रही है, लेकिन मेरा स्टैमिना से रिलेटिव एक सवाल है कि कैसे मैं अपनी सेक्स पावर को बढ़ाऊं। जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूँगी आपको कि आपकी मैरिड लाइफ अच्छी चलने के बाद भी आपने मुझसे क्वेश्चन किया। जैसे कि बाजार में आपको पता ही होगा कि खजूर के बारे में तो आप जानते ही होंगे। जी डॉक्टर साहब, खजूर आपको प्रतिदिन 5 से 7 खाने ही चाहिए। हाँ, जैसे आप रोज़मर्रा का आप काम करते हैं, भी ब्रश किया, नहाए धोए, उसके बाद खाली पेट आप 7 खजूर कम से कम खाइए तो आपको बहुत आराम लगेगा। खजूर के साथ साथ आप प्याज अश्वगंधा भी लीजिए। खजूर तो आप खाइए ही, और ये बहुत आसानी से आपके आसपास मार्केट में मिल जाएगा, आपको परेशानी नहीं होगी। ये मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है। इसका पेस्ट बना लीजिए और गाजर का भी इस्तेमाल कीजिए। और हाँ, लौकी के बीज का स्पंप बना लीजिए, जो मेल और फीमेल दोनों के लिए ही बहुत लाभकारी होता है अगर आप नियमित रूप से लेते हैं। अगर आप केला खाते हैं तो उससे आपकी यौन शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ती है। अभी तो आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, बहुत मज़ा भी आ रहा है जीने में, लेकिन कई बार क्या होता है कि आप इन सब चीज़ों से ऊब जाते हैं, आपका सेक्स करने का जैसे मन ही नहीं करता। ऐसे में आप अपना ध्यान रखिए। क्या हमारी सेक्स पावर एक्सरसाइज से बढ़ सकती है? मतलब एक्सरसाइज करने से क्या मेरी सेक्स पावर बढ़ सकती है? हाँ, एक्सरसाइज से फर्क पड़ता है, लेकिन जो घरेलू उपचार मैंने अभी आपको बताए वो यौन शक्ति में आपको बहुत ज़्यादा मदद करता है। एक्सरसाइज से क्या होता है कि आपका ब्लड सर्कुलर अच्छा होता है, आपकी बॉडी अच्छी रहती है, आप फिटनेस रहते हैं, लेकिन वो यौन शक्ति पे आप में इतना असर नहीं करेगा जितना कि आपको घरेलू उपचार इस्तेमाल करो। डॉक्टर, मेरे मन में एक सवाल हो रहा है, जब हम लौकी की सब्जी बनाते हैं तो बीज निकाल कर बनानी चाहिए या पूरी साबुत बनानी चाहिए? नहीं, आपको लौकी के बीज नहीं निकालने चाहिए, वो बहुत फ़ायदेमंद होता है। अक्सर क्या होता है कि जब एक फीमेल खाना बना रही होती है तो लौकी जब काटती है तो बीज को निकाल देती है, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि लौकी से ज़्यादा पावरफुल उनके बीज होते हैं। चाहे तो आप उन्हें सुखा भी सकते हैं, सुखा कर उन्हें रात को पानी में भिगो दें, सुबह उन्हें छान लें और उनको बीज का सेवन करें, वो आपकी यौन शक्ति को भी बढ़ाएगा और शरीर में भी ताकत देगा। लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं। अगर वो लौकी के साथ आप वो बीज नहीं खाते हैं या अलग निकाल देते हैं, आप चाहें तो उसकी अलग से सब्जी भी बना सकते हैं, जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। इसलिए मैं ये कहूँगी कि लौकी के साथ साथ उसके बीज का सेवन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी, ये आप ही को नहीं, बहुत से लोगों को नहीं पता कि लौकी और लौकी का बीज सेक्स पावर बढ़ाने में बहुत कारगर है। लोग क्या करते हैं अमूमन कि मेडिकल से दवाइयाँ ले आए और उसका इस्तेमाल किया, जबकि मेडिकल से जो दवाइयाँ खरीदी जाती हैं उनका साइड इफ़ेक्ट होता है, लेकिन लौकी बहुत ज़्यादा कारगर है। इसलिए आपको लौकी को बीज निकाल कर फेंकने नहीं चाहिए, बल्कि उसकी सब्जी बनाकर आप लोगों को खानी चाहिए, आपको बहुत फ़ायदेमंद होगी। प्याज, आप प्याज को यूं ही समझते होंगे कि सलाद के रूप में खा लिया तो उसका कोई भाई स्वाद के लिए खाया, लेकिन नहीं, ये एक दवाई के रूप में भी काम करता है। प्याज को आप बारीक बारीक काटने के बाद बटर में आप भून लें, यानी मक्खन में भून लें, और उसको डेली खाली पेट उसे 1 चम्मच रोज खाएं, फिर आप देखेंगे कि 1 हफ्ते में आपकी सेक्स पावर कितनी बढ़ गई है और आप अपने अंदर एक अजीब सी शक्ति फील करेंगे। नो, आपने बहुत अच्छा बता दिया है, अच्छे से समझा दिया है लौकी के बारे में। हम लोग तो मामूली सब्जियों के बीज निकालकर कूड़े में फेंक दिया करते थे, पर आज आपने पूरे तरीके से बता दिया। आपके घरेलू उपचार मैं बिल्कुल अपने घर में आज से ही प्रयोग करूँगा। प्याज में मक्खन के साथ भून के खाना और सब्जी को बीज समेत बनाना। हाँ। थैंक यू डॉक्टर साहब, ये तो बहुत आसान और सरल है। थैंक यू।